दोनों को देखो, छोटा भाई बड़ा भाई नहीं लग रहा। 5000 का डीजल है, देखो बोला था ना 55 लीटर आएगा। तो अपन जाने वाले आज ऊंझा, और ऊंझा से आगे कच्छ की ओर जाने वाले। हाँ तो माता जी के दर्शन तो कर लिए, अभी यहाँ से बचाओ जाएंगे या भूत जाएंगे वो अभी डिसाइड करेंगे गाड़ी के अंदर चल के। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और मैं तो देखो ये मस्त नहा धो के रेडी हो गया। सुबह सुबह में नहाना और वॉशरूम, ये दो चीज़ अगर एकदम सही से हो जाए ना तो समझो आपका दिन मस्त है। इसीलिए मैं हमेशा यहीं पे रुकता हूँ, सनराइज होटल। ये दिखा देता हूँ आपको होटल सनराइज पैलेस, और ये यहाँ का एड्रेस है और फोन नंबर है, फ़ोन करके आप रूम बुक करवा सकते हो। बाकी मेरा नाम लोगे तो आपको अच्छी सर्विस और अच्छे डिस्काउंट मिल ही जाएंगे, तो क्यों नहीं, दो पैसे आपके बचते हैं तो क्यों नहीं यहीं पे रुके। और ये होटल अंबाजी मंदिर से एकदम नज़दीक है, बाजू में ही है, तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो चल के भी जा सकते हो मंदिर में, और मार्केट एरिया तो है ही, वो तो आपको पता ही है। बाकी एक बार गाड़ी पे चलते हैं, गाड़ी का शीशा वीशा साफ करके रेडी कर दिया एकदम कंप्लीट। अपने को 8 बजे का टाइम दिया था, अपन आधे घंटे पहले ही रेडी हो गया मस्त एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। और आज यहाँ से प्लान बता दो, चलो पहले एक बार गाड़ी में चलते उसके बाद बता दो। तो जी भाई एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो इको खड़ी है और उसके पीछे अपनी गाड़ी विंगर, दोनों को देखो, छोटा भाई बड़ा भाई नहीं लग रहा। कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, कोई ऑफेंड मत होना, क्योंकि इको का कोई इसके सामने इको थोड़ी आ सकती, दोनों का कोई कंपेरिजन ही नहीं है। बाकी देखो कपड़ा यहीं पे छोड़ दिया था, गाड़ी साफ़ कर दी, और फॉगलेम देखो, फॉगलेम तो बाय जबरदस्त है। बाकी गाड़ी अपने देखो क्या मस्त है ना, सहन जबरदस्त। तो जी भाई 8:45 होने वाले हैं, और अभी क्लाइंट का फ़ोन आ गया है, अभी चलते हैं यहाँ से अंबाजी से निकलकर। मैंने बताया नहीं ना आपको कहाँ पे जाने वाले, तो अपन जाने वाले आज ऊंझा, और ऊंझा से आगे कच्छ की ओर जाने वाले, वो आपको ऊंझा मंदिर के पास जाके बताता हूँ। फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, और बहुत टाइट जगह है, अभी कैसे गाड़ी निकलता हूँ वो देखो। तो जी भाई क्लाइंट जहाँ पे ठहरे थे वहाँ पे आ गए हैं, अब यहाँ से एक बार सामान लोड करते हैं और निकलते हैं। यहाँ पे गली बहुत पतली है तो बहुत टाइट जगह है, तो चलते हैं, सामान तो रखना पड़ेगा ही ना। चलो जवानी है, बोलो श्री अम्बे मात की जय।
जी भाई उंझा पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर है अभी। डीजल ले लेते हैं, डीजल एकदम खाली हो गया था, लाइट भी आ गई थी, तो यहाँ से फुल करवा लेते हैं। देखते हैं कितने का आएगा, 50 लीटर तो आना ही चाहिए। तो जी भाई 5000 का डीजल है, देखो बोला था ना 55 लीटर आएगा, भाई 60 लीटर की टंकी है और इसमें 54 लीटर आ गया, अभी टेंशन नहीं। तो जी भाई गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया है और ये सामने रहा मंदिर, अभी मंदिर पे चलते हैं, दर्शन करते हैं माता जी का। यहाँ तक आया है तो माता जी का दर्शन तो करते हैं। और चलो बोलो श्री उम्मिया मात की जय। तो जी अभी हम है कबराऊ मुगल धाम में है, मुगल धाम मंदिर मुगल माता का, तो अभी तो वहाँ पर चलते हैं। ऊंझा से निकलकर आपने देखा ही वो रूट, निकलकर आए राधनपुर होके, थोड़ा थक सा गया था, बीच में से व्लॉग नहीं किया, हाईवे था, कुछ दिखाने लायक ऐसा कुछ था नहीं, जो था वो आपने देख ही लिया अभी तक। तो मंदिर में चलते अभी, यहाँ पर भी शायद वही होगा, मोबाइल अलाउड हो नहीं हो मालूम नहीं, मैं दूसरी बार ही आया हूँ, पर जो भी यहाँ पे माता जी का सत बहुत है, बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, महाराष्ट्र से, एमपी से, बहुत सारे जगह की गाड़ियाँ है और बहुत बस भी आई है, देखो मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ये मैं भी पहली बार आया था तब सोचा था इतनी अंदर यहाँ पे लोगों को कैसे मालूम, लेकिन भाई यहाँ पे माता जी का सत है। और अगर आप कच्छ घूमने आ रहे हो तो एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पे। बाकी मंदिर पे चलते हैं और वहाँ पे जहाँ तक मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ वहाँ तक रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। तो जी भाई क्या मस्त सनसेट हो रहा है, और वो रहा माता जी का मंदिर और वो अपनी गाड़ी वो वहाँ पे खड़ी है,
और मैं थोड़ा इधर आ गया था, सनसेट बहुत ही प्यारा मस्त सा लग रहा था ये देखो। और यहाँ की एक बात है कि भाई माता जी से आप जो भी यहाँ पे मन्नत मांगते हो वो ज़रूर पूरी होती है। तो अगर आप कच्छ घूमने आ रहे हो तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये भचाऊ से शायद 20 किलोमीटर के आसपास है, नज़दीक ही है भचाऊ से, तो आप गूगल मैप में डालोगे तो सीधा रास्ता यहाँ तक आ जाएगा। बाकी माता जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, यहाँ पे एक बार ज़रूर आना। हाँ तो माता जी के दर्शन तो कर लिए, अभी यहाँ से बचाओ जाएंगे या भूत जाएंगे वो अभी डिसाइड करेंगे गाड़ी के अंदर चल के। बाकी जहाँ पे भी रुकेंगे वो आपको बता देंगे और दिखा देंगे। तो एक बार गाड़ी के पास चलते हैं, सब लोग शायद आ गए हैं, मेरा वेट ही कर रहे हैं, तो चलो।